ग्वालियर में एक महिला मेडिकल ऑफिसर डिजिटल ठगी का शिकार हो गई है। ठगों ने पहले महिला को डिजिटल अरेस्ट किया, फिर गिरफ्तारी का डर दिखाकर 38 लाख रुपए वसूल लिए। वहीं ठगी का एहसास होने पर महिला ने क्राइम ब्रांच पुलिस में मामला दर्ज कराया है। पीड़ित ने बताया है कि सीबीआई अधिकारी के नाम से उसे एक फोन आया। फोन पर कहा जाता है कि लखनऊ से म्यांमार के लिए उसके नाम पर एक पार्सल बुक हुआ है, जिसमें 20 पासपोर्ट, 3 क्रेडिट कार्ड, 1 लैपटॉप, 50 ग्राम एमडीएमए और 4 किलो कपड़ा है। आपको बता दें कि ठगों ने महिला को अरेस्ट वारंट भी दिखाया। इसके बाद केस सेटल होने और रिलीफ दिलाने के नाम पर 35 लाख रुपए की ठगी कर ली। फरियादी जो है डॉक्टर सुजाता बापट द्वारा एक पुलिस अधीक्षक महोदय को राइटिंग में कंप्लेंट की गई थी कि उनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है, जिसमें उसमें डिटेल में ये दिया था साइबर फ्रॉड के संबंध में कि उनको एक पार्सल के संबंध में फ़ोन आया था और उस संबंध में उनको बताया कि उसमें ड्रग्स है और सीबीआई में केस रजिस्टर्ड हो गया और आपको हमने हाउस अरेस्ट डिजिटल अरेस्ट कर लिया और वो साइबर फ्रॉड के धोखे में आकर उनके साथ लगातार उनको इस प्रकार से भ्रमित किया गया कि उनने विश्वास में आकर अपनी एफडी तोड़वा कर 38 लाख रुपए उनको ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। तो उनकी जो आवेदन पर से जो है क्राइम ब्रांच द्वारा अपराध पंजीवत किया गया और अपराध पंजीवत पर से विवेचना की जा रही, जल्दी से जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर उक्त धनराशि बरामद की जाएगी।